हेलो बच्चों, कैसे हो? तो अभी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, छोटा चैप्टर है। आप लोग आज टेस्ट दे के आए हैं इंग्लिश का। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा गया होगा सभी का टेस्ट। तो अभी कल क्या करूँगा, कल मैं अपलोड करूँगा पूरा और नहीं केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो, क्योंकि अभी उसको थोड़ा और बचा हुआ है, उसको उसका पूरा प्रिपरेशन और बचा हुआ करने का तो हुआ नहीं हो। तो अभी छोटा चैप्टर में डाल देता हूँ अभी, ठीक है ना? तो देखते हैं अभी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। देखिए, इसमें मैंने पहले टर्म्स ले रहा हूँ जो आपको डेफिनेशन लिखना है जितना। तो एनाल्जेसिक्स, ड्रग्स विच रिलीव द पेन बाय एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और विदाउट मच डिस्टर्बिंग द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एनाल्जेसिक, ठीक है ना? फिर ट्रैंकुलाइजर्स, द केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू रिलीव और रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी लीडिंग टू कामनेस आर कॉल्ड ट्रैंकुलाइजर्स। और एंटासिड्स, छोटा स्टम ये, एंटासिड इज अ बेस विच न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक। इसके एग्जाम्पल भी कर लेना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक्स, ये पूरा करना है आपको, ठीक है ना? अभी तक इसमें एंटीबायोटिक डेफिनेशन, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ और किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मतलब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं उसका और दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है? कैप्सूल फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में ऐसे बना लेते हैं उसको। अब एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, फर्स्ट है बैक्टीरियाइडल, दूसरा है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियाइडल एंटीबायोटिक्स विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी आर कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। वो किल करने आई है, प्रिवेंट करता है बस। तो इसका एग्जाम्पल अच्छे से याद होना चाहिए आपको, एग्जाम्पल इसका मीनिंग होना चाहिए। मतलब बैक्टीरियाइडल साइड मतलब किल करना होता है, या स्टैटिक्स मतलब स्टॉप करना होता है, यहीं से मालूम चल जाता है। तो इसका बैक्टीरियाइडल का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, ऑफ्लोजैक्सिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। और बैक्टीरियोस्टैटिक्स का डेफ मीनिंग है एंटीबायोटिक्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। और उसके एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोएम्फिनिकॉल। ये एग्जाम्पल्स परफेक्ट चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसके दो एग्जाम्पल दो, इसके एग्जाम्पल दो, या ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका, ऐसा पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है ना? तो कर लीजिए नोट डाउन इसको। ओके, अब उसमें दो छोटे और टर्म रह गए, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम, दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसका एक ही एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ये या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही काम करता है, दोनों में से कुछ एक, लेकिन इस ब्रॉड दोनों के अगेंस्ट काम करेगा। देखो, दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, इसकी तीन एग्जाम्पल है, क्लोरोएम्फिनिकॉल है, एम्पीसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है, ठीक है ना? कर लीजिए इसको नोट डाउन। ओके, अभी दो टर्म और रह गए, एंटीसेप्टिक्स, द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट दे आर हार्मलेस टू लिविंग टिश्यू आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल डेटॉल, आइडोफॉर्म। तो डेटॉल का पूरा कॉम्पोजिशन भी करना चाहिए, आता है कभी कभी। एंटी ऑक्सीडेंट्स, द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर यूज टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इन प्रोसेस्ड फूड आर कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेंट। BHA, BHT, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसके, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आप देखते हैं सोप की डेफिनेशन और उसकी प्रिपरेशन। देखो, सोप मतलब क्या था, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड विच कंटेन मोर देन 12 कार्बन आइटम्स। डेफिनेशन यहीं तक लिखा तो चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? फिर देखो, प्रिपरेशन है, सोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स यूजिंग सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हो, ठीक है ना? और ये फैट है, फैट का जनरल फॉर्मूला है। तो अभी कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से इधर से इसको ब्रेक कर दिया हमने, देखो यहाँ से। तो NaOH का अब यहाँ पे आप क्या कर अटैच करेंगे, यहाँ पर H अटैच करेंगे, HHH, ये बाहर निकल ग्लिसरीन। अब बाकी बचा हुआ NaO यहाँ पे अटैच करो तो बनेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, या सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये बना आपका सोप, ठीक है ना? कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों। चलिए अब देखते हैं एस्प्रिन का प्रिपरेशन, तो कैसे करना है। देखो, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एसिडाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड लिया है,
यूजिंग मिक्सचर ऑफ क्या लिया, एसिटिक एनहाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड हो गया। तो अब देखो यहाँ का जो एच है वो किससे रिप्लेस होगा, सी एस थ्री सी ओ ग्रुप, सॉरी गलत हो गया, ये एक ही ओ होगा। देखो तो यहाँ से सी एस थ्री सी ओ ग्रुप से यहाँ का एच रिप्लेस हो गया, एच इधर आ गया, एच इधर आ गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो सी एस थ्री सी ओ ओ एच, देखो एसिड एसिड बाहर निकल गया और यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया सी एस थ्री सी ओ हो गया। इसका कमर्शियल नेम है एस्प्रिन, कॉमन नेम है ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड और आई पी सी नेम है टू एसिटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। कर लीजिए नोट डाउन। ओके अब ये भी ये दो डिटर्जेंट्स हैं ना दोनों, अनायनिक और कैटायनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनायनिक डिटर्जेंट मतलब होता है दे आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और अल्कोहल्स, और उसका एक एग्जांपल कर लेना है सोडियम एन डो डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट, और उसका यूज टूथपेस्ट में होता है, याद रखना है। फिर एक कैटायनिक डिटर्जेंट दे आर क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइंस विथ क्लोराइड्स एसिटेट्स एंड ब्रोमाइड्स, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल सिटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसका यूज़ होगा जर्मिसाइड्स में होता है और हेयर कंडीशन में भी होता है, इसका क्लींजिंग पर्पज दूसरा करना है, तो एक एक भी है तो सफिशियंट है, इतना कर लीजिए। ओके आप देखते हैं स्ट्रक्चर, ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। बी एच ए मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, तो बेंजीनिक बनाना हाइड्रोक्सी उसलिए वो हाइड्रोक्सी, और फिर क्या है टर्शियर ब्यूटाइल और ओ सी एच थ्री, इसमें क्या करना है बेंजीन मतलब बी एच ए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यू, क्या करना है बेंजीन रिंग हाइड्रोक्सी दोनों में सेम है, यहाँ पे टर्शियर ब्यूटाइल, इतना स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओ सी एच थ्री है, यहाँ पे सी एच थ्री है और यहाँ पे एक और टर्शियर ब्यूटाइल हो गया। और कहते हैं एस्प्रिन का तो मैंने प्रिपरेशन में बता दिया, प्रिपरेशन में स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ ड्रॉ में क्योंकि वो प्रिपरेशन में कवर हो गया, एस्प्रिन के एस्प्रिन का प्रिपरेशन किसमें स्ट्रक्चर आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूँगा, कर लीजिए इतना नोट डाउन। ओके और एक स्ट्रक्चर कर लीजिए सैकेरिन, रिंग ड्रॉ करना है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एस के साथ दो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच करना है, ये सैकेरिन का स्ट्रक्चर कर लेना, ठीक है। अब डिफाइन एंटी माइक्रोबियल, द ड्रग्स यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल्स, ठीक है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर का पूरा क्विक रिविजन हो चुका है, आप लोग अभी क्या करो इसको आज तैयार कर लीजिए, इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ऑर्गेनिक का वन शॉट जो वीडियो है वो मैं कल अपलोड करूँगा, ठीक है ना, तब तक इसको पढ़ते रहिए। चलिए।